मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में हासिल किया बहुमत। दरअसल हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्हें सदन में बहुमत हासिल करना था। और आज वो दिन था जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बहुमत हासिल किया। हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े, जबकि इनके विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा। इस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फिर से सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 45 यानी 45 मत प्राप्त हुआ और प्रस्ताव के विपक्ष 0 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह सभा वर्तमान मंत्री परिषद में पूर्ण विश्वास प्रकट करती है कि प्रस्ताव पारित हुआ। आपने सुना कि विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष में कुल 45 वोट पड़े, जबकि उनके विपक्ष में कोई भी वोट नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुमत हासिल करते ही अपने विपक्षियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी दलों के जितने भी विधायक सदन में बैठे हैं, 2024 के चुनाव के बाद इनमें से आधे भी चुनाव जीतकर नहीं आएंगे और आधे लोग इस तरह से विधानसभा में नहीं दिखेंगे। आइए सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने विपक्षियों पर, अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा। हमारे विपक्ष के साथी तो पुनः मुझे यहाँ देखकर कैसा महसूस हो रहा होगा, इनके आचरणों से दिख रहा है। अध्यक्ष महोदय ये फिर से अपने आचरणों के अनुरूप व्यवहार में आ गए हैं। खैर, उससे कोई चिंता नहीं है। मुझे पता है कि आज इन लोगों के पास कोई राजनीतिक ना इनकी सोच है, ना इनके पास कोई एजेंडा है। आज धन बल संवैधानिक संस्थाओं के बदौलत आज अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम पूर्ण करें। इनको जवाब देने के लिए आप हमारे पास पूरा समय है। भाषण तो आप लोग नहीं झेलिएगा तो चलेगा, मान्य नहीं था। जितने दिख रहे हैं इनमें से आधे भी आ जाए वापस अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी बात होगी। पूरे देश ने लोकसभा के चुनाव में तो इनको चेहरा दिखाई दिया है, अब बचा है राज्यों का चुनाव और बहुत जल्द ये चुनौती और ये राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ये सीधा हमारे सरकार महागठबंधन के साथ होगा, जहां एक एक करके इनके जो सोच है, इनके जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र इन्हीं को दफ कर दिया। आपने सुना कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में बहुमत साबित करने के साथ ही अपने विपक्षियों पर किस तरह से निशाना साधा। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे विपक्षी पार्टी के जो भी विधायक आज सदन में बैठे नजर आ रहे हैं, 2024 चुनाव के बाद इनमें से आधे भी यहाँ नजर नहीं आएंगे। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झारखंड न्यूज़।